हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अयंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा मेडिसिन का टॉपिक है हायोसाइमस नाइग्रा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जैसे मैंने आपको बेलाडोना पढ़ाते टाइम भी बताया था कि बेलाडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम का जो ट्रायो है, उन तीनों का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी पूछा जाता है। और जो बेलाडोना है वो आपको एज अ पॉलीक्रेस मेडिसिन भी पूछी जाती है। उसके अलावा जो हायोसाइमस और बेला और जो स्ट्रेमोनियम है, उन तीनों के बीच में जो डेलीरियम है, ठीक है, जो माइंड के सिम्टम्स हैं, उनका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हायोसाइमस के अंदर हम उसका माइंड एंड डेलीरियम ही देखने वाले हैं, बिकॉज कि ये आपको सेपरेटली भी शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम है ब्लैक हेनबेन, एंड इसकी प्रूवर है डॉक्टर हेनेमैन, एंड इसकी फैमिली है सोलेनेसी, सेम जैसी फैमिली बेलाडोना की है, ठीक है, और सेम जैसी फैमिली एक्नाइट की है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 6 to 14 days, विच इज़ क्वाइटली शॉर्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसका फिजिकल मेकअप आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बिकॉज की इट मोस्टली सूटेड टू ऑल टाइप ऑफ द पीपल्स, ठीक है, और हर एक एज के अंदर ये सूट करती है। इसके अलावा टेम्परामेंट है इसका नर्वस, सेंग्वाइन, हिस्टेरिकल एंड ऑल्सो इरिटेबल, ठीक है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा मायजम इज सौरा एंड थर्मल इज चिली, एंड जो शीट ऑफ एक्शन है ऑन द नर्व्स, ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑन द सेंटर्स एंड द सेंसोरियम, ठीक है। सेंसोरियम, इसे पहले भी एक मेडिसिन के अंदर मैंने आपको समझाया था कि सेंसोरियम का मतलब होता है माइंड, जो चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंसोरियम, राइट। उसके अलावा जो स्किन है, मसल्स हैं, एंड आई है, एंड ब्लड एंड फेस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शीट ऑफ एक्शन आती हैं। उसके अलावा जो मसल हैं, नर्व्स हैं, एंड सेंटर्स एंड सेंसोरियम, ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने ज़्यादा ध्यान में रखनी है, बिकॉज कि आगे जाकर भी जब तुम देखोगे कि इसका डिलीरियम ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल स्पाजम होता है, बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको शीट ऑफ एक्शन में लिखनी ही लिखनी है। रेस्ट ऑफ जो चीज़ें अगर आप वो नहीं लिखोगे, फिर भी इट इज़ क्वाइटली गुड, ठीक है। तो आगे इसका एलिमेंट्स फ्रॉम देखते हैं। अनफॉर्चुनेट लव, विच मीन्स द डिसअपॉइंटमेंट इन द लव, उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट डिप्रेशन के स्टेज के अंदर चला जाता है। रेग, एक्सेसिव रेग, विच इज़ एक्सेसिव एंगर, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग एंगर को हम रेग बोलते हैं। जेलेसी है, फ्राइड एंड इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की वजह से भी यहाँ पर डिलीरियम आ सकता है। सो पर्टिकुलर के अंदर माइंड सबसे पहले देखेंगे, इंक्रीज द मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस, मेंटली एंड फिजिकली बोथ वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। जंप फ्रॉम द बेड टू बेड, ठीक है, दैट मीन्स कि वो एक बेड से दूसरे बेड तक जंप करेगा, इसलिए हमने बोला है कि वो रेस्टलेस होता है मेंटली एंड फिजिकली भी। ट्राइज टू एस्केप, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कि हायोसाइमस का जो प्लांट होता है वो बहुत पुराने ज़माने से जो असाइलम्स होते हैं उनके अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो असाइलम्स वो होते हैं लाइक जो पागलखाना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसका जो प्लांट है उसको रखा जाता है। उसके फ्लावर्स जो हैं उसके अंदर से भी मेडिसिन, या फिर तो यूँ कह लो कि उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसको जो वहाँ के पेशेंट्स हैं उनको खाने में दिया जाता था, ठीक है। तो ये क्यों कि यहाँ से ही तुमको समझ में आ रहा है कि ये हायोसाइमस का जो पेशेंट होगा वो कैसा होगा, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो क्रेजीनेस वाला स्टेट होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ट्राइज टू एस्केप, दैट मीन्स कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे असाइलम के अंदर जो पेशेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर रहना पसंद नहीं होता, वो वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही मतलब कि तुम एक कोरिलेट कर सकते हो चीज़ को। आगे इसका डिलीरियम देखेंगे, जो इसका मेन कोर है। सो थिंक दैट ही इज़ ऑन द रोंग प्लेस एंड ट्राइज टू एस्केप, ठीक है, तो मतलब कि इस जो पेशेंट है उसको ऐसा लगेगा कि भाई मैं गलत जगह पे हूँ, वो बार बार भागने की कोशिश करेगा वहाँ से। और स्टिल अगर कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे हम तो असाइलम में नहीं जाने वाले, राइट, तो आपका पेशेंट जो है वो ऑफकोर्स घर पर ही रहेगा, बट स्टिल घर पर भी उसको ऐसा लगेगा कि मैं गलत जगह पर हूँ, राइट। कॉन्स्टेंटली स्पिट
टू द बेड क्लोथ एंड ट्राइज टू अनकवर. ठीक है, अब यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आता है. पहली चीज़ है कि उसको एस्केप करने का डिज़ायर है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो रॉन्ग प्लेस के ऊपर है. और जो बेड के क्लोथ होते हैं, ठीक है, बेड शीट्स इन द सेंस की जो होती हैं, उसको बार बार स्प्लिट करने की कोशिश करेगा और अपने आप को भी अनकवर करने की कोशिश करेगा. ठीक है, उसके अलावा पुट द हैंड्स ऑन हिज जेनिटल्स एंड प्ले विद द सेम एंड आउट ऑफ हिज सेंसेस. ठीक है, इन शॉर्ट की पेशेंट जो है वो अपनी सेंसेस के अंदर नहीं है. जेलेसी एंड सस्पिशियसनेस, अब उसकी सस्पिशन भी कैसी है कि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पॉइजन पिला देगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे बेच देगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको हायोसाइमस में मिलेंगी. फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, बीइंग सोल्ड, बीइंग बेट्रायल एंड इंजर्ड एंड सस्पेक्ट टू एनीथिंग दैट ऑफर्स हिम फॉर द ड्रिंक और फूड. दैट मीन्स कि अगर कोई भी उसको खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि ये जो एक पर्टिकुलर इंसान है उसने मेरे खाने में, मेरे पीने में कोई ना कोई चीज़ मिला दी है जिससे कि मैं मर जाऊँगा. ठीक है, एंड लेसिवियस मेनिया, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो हायोसाइमस है उसके अंदर आपको लेसिवियस मेनिया मिलेगा. Will not covered and kick out the clothes and expose to the person, sing obscene song and lies completely naked on the bed. ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं lascivious mania, lasciviousness. ठीक है, एंड दी कन्वर्जेंस, सो एवरी सिंगल मसल ट्विचेस. ठीक है, अब यहाँ से आपका जो मसल का मैंने आपको बोला था, मसल नर्व्स, ठीक है, उन सब का एक शीट ऑफ एक्शन आपको अच्छे से दिखाई देगा कि एवरी सिंगल मसल जो है वो ट्विचेस करती हैं. एंड हेड टू टो एंड टोनिक एंड क्लोनिक कन्वर्जेंस, जैसे आपको नक्स वॉमिका के अंदर मिलते हैं टोनिक एंड क्लोनिक कन्वर्जेंस. फेस इज डस्की रेड एंड ब्लॉटेड एंड द डेलीरियम विद लो मटरिंग टॉक अबाउट द बिजनेस एंड इमेजिनरी थिंग्स सेम लाइक दी ब्रायोनिया. ठीक है, उसके अलावा स्टूपर का स्टेज आता है जब, तो देर इज अनकॉन्शियसनेस, दे डजंट रिप्लाई द क्वेश्चन एंड डजंट रिकॉग्नाइज एनीवन, सी पर्सन वो इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, इसी को हम डेलीरियम बोलते हैं, राइट. उसके अलावा जनरल मोरालिटीज एग्रावेशन ड्यूरिंग द मेंसेस एट नाइट, जेलेसी, जो डिसअपॉइंटमेंट इन लव होता है, उसके अलावा कोल्ड एयर टच, मेंटल स्ट्रेस. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से एग्रावेशन हो सकता है एंड एमेलियोरेशन बाय वॉकिंग, सिटिंग, मोशन, वार्मथ एंड स्टूपिंग, राइट. उसके अलावा जो इसका रिलेशनशिप है, फॉलोज वेल विद द बेलाडोना, फॉस्फरस, नक्स वोमिका एंड ओपियम. ठीक है, सबके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको मिलेंगे. उसके अलावा एंटीडोट बाय द विनेगर, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम एंड चाइना. ठीक है, तो ये इसके रिलेशनशिप थे और ये थी हमारी मेडिसिन हायोसाइमस. होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.